नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली महिंद्रा ने धमाका कर दिया है, अपने तीनों मॉडल लॉन्च कर दिए, वीरो V2, V4, V6 और आज इनका सेमिनार है दोस्तों, लॉन्चिंग सेमिनार, तो उसी में मैं आया हुआ हूँ। तो आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ इन गाड़ियों की, प्राइस, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ। और अपने पीछे देख सकते हो टॉप मॉडल दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो वीरो टॉप मॉडल दोस्तों, V6 है ये, और ये वाला जो है V2 है दोस्तों, और जो मिडिल वेरिएंट है वो टेस्ट ड्राइव पे गया हुआ है। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, आप आ जाइए सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर आपको सारे कार वाले फीचर सब कुछ इसमें देखने के लिए मिलेंगे। कैप्टन सीट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। हाइट देखो दोस्तों, हाइट गाड़ी की एकदम मतलब जबरदस्त शानदार हाइट के साथ उतार रहा है। स्टेयरिंग आपको पावर स्टेयरिंग की इसमें फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूज कंट्रोल आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, गियर शिफ्टिंग लीवर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, और म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हो, टच म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर पावरफुल रिव्यू लेकर आता हूँ दोस्तों, तो आपकी भी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में फैला दें भाई के वीडियो को। तो कैमरामैन सर थोड़ा पास से दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा, आप अपनी लाइट को यहाँ से सेट कर सकते हो। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अब इसके अंदर एयरबैग मिलेगा। ये इंडिया का पहला व्हीकल बन चुका है जिसके अंदर आपको एयरबैग देखने के लिए मिलेगा। ड्राइविंग सेफ्टी के लिए आपको एयरबैग देखने के लिए मिलेगा। पीछे पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा। 10.10 mm की आपको टच डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा, आप अपना मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ रख सकते हो दोस्तों। और 2+1 दोस्तों, 3 मेंबर आप इसमें बिठा सकते हो, 3 मेंबर इजीली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा। उस साइड से एक बार दिखा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो ये है केविन अपना न्यू वीरो V6 का दोस्तों, टॉप एंड मॉडल है ये। तो इसकी सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके। सीट की क्वालिटी दिखाइए सर, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज किया गया है। और ये जो सीटें है दोस्तों, ये जो है ये यहाँ से पूरी फोल्ड हो जाती है और आराम से इसमें आप सो सकते हो दोस्तों। एक तरह से इसको आप एक बेड बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दिखाइए सर, यहाँ पर आपको 12 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलेगा। पावर विंडो का स्विच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना चार्जर का हुक देखने के लिए मिल जाएगा। USB कनेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपने AC के वेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। AC के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो AC के कंट्रोल्स, म्यूजिक के कंट्रोल्स सारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, पूरी आपका भाई रिसर्च करके लाया है। इसका जो बेसिक मॉडल रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा 7 लाख से स्टार्ट किया है, मतलब कि ये इंडिया का पहला व्हीकल हो गया है जो इतनी कम प्राइस से लॉन्च किया गया है और इतने जबरदस्त फीचर के साथ में। और इसका टॉप एंड वेरिएंट जो आपको मिलने वाला है वो आपको 10 लाख के अंदर अंदर पड़ जाएगा। ये वाला जो वेरियंट है टॉप एंड है दोस्तों, ठीक है। और माइलेज की बात करूँ तो इधर आ जाइए सर, आप इस साइड से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें क्या क्या की पॉइंट है वो सारे मैं आपके लिए रिसर्च कर लाया हूँ। तो इसकी जो प्राइस रहने वाली है, एक्स शोरूम प्राइस जो रहेगी, 7 लाख से स्टार्ट किया गया है इसको, जो लोअर वेरिएंट है V2 को, V4 उसका मिडिल है, फिर उससे हाइयर जो है V6 है दोस्तों, उसकी प्राइस जाएगी आपको 10,40,000 में, आपको टॉप एंड वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो देखने के लिए मिलेगा 18.4 दोस्तों, 18.4 का माइलेज देखने के लिए मिलेगा, मतलब माइलेज के मामले में सबको बीट कर दिया इसने। डीजल के अंदर 18 का माइलेज और CNG के अंदर आपको लगभग 19 का माइलेज ये निकाल कर दे देगा दोस्तों, 19 का माइलेज ये CNG के अंदर निकाल के दे देगा, काफ़ी बढ़िया। और पेलोड की बात करूँ तो 14 जो लोअर वेरिएंट है उसमें 1400 kg का पेलोड मिलेगा, और हायर वेरिएंट जो ये टॉप एंड वेरिएंट है इसके अंदर आपको 1600 kg दोस्तों, 1600 kg का पेलोड इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ड्राइवर एयरबैग आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा। आ जाइए सर, पीछे में आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको पार्किंग कैमरे का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको इसकी ट्रोली देखने के लिए मिल जाएगी, ये देख सकते हो पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं इसका ट्रोली ओपन कर देता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हो इसका ट्रोली, काफी बड़ा ट्रोली आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अंदर चलकर दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा ट्रोली आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, बहुत ही
और 1600 केजी का पेलोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। 1600 केजी का पेलोड आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ड्राइवर एयरबैग आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इस साइड से दिखाइए सर, सनलाइट इधर से आया तो इधर से ज़्यादा अच्छा। और फर्स्ट इन क्लास सेफ्टी दोस्तों, इंडिया में इतनी सेफ्टी फीचर के साथ में महिंद्रा ने ये पहला व्हीकल लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर तीन मॉडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, V2, V4, V6। तो ये जो है ये टॉप एंड मॉडल है अपना, V6 मॉडल है दोस्तों। ये वाला जो मॉडल है V6 आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। CNG प्लस डीजल में ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। CNG प्लस डीजल दो ऑप्शन के साथ ये आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और इसके बाद में जो अभी और जो नया मॉडल आएगा उसमें CNG, डीजल और इलेक्ट्रिक दोस्तों EV तीनों कॉम्बिनेशन के साथ में उतारा जाएगा मार्केट में। तो महिंद्रा एक के बाद एक धमाका कर रहा है दोस्तों, तो ये काफ़ी बढ़िया है चीज़ मुझे लगी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आपको 10 एडवांस फीचर्स इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, म्यूज़िक इन्फोटेक सिस्टम, एयरबैग, पार्किंग कैमरा, और उसके बाद में आपको सेफ्टी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। और आप सबके लिए मैं एवरीडे 6 PM को एक लेटेस्ट रिव्यू बनाकर लाता रहता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, सारी गाड़ियों का, सबका रिव्यू बनाकर लाता रहता हूँ। तो भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरी दुनिया में भाई के वीडियो को फैला दें दोस्तों। और एक बार आगे से पूरा दिखा दीजिए सर, फ्रंट से दो गाड़ियों को पूरा दिखाइए। ये V6 है टॉप एंड और ये है V2 दोस्तों। तो इसके बारे में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो लोअर वेरिएंट है ये आपको 7 लाख का पड़ जाएगा। तो यहाँ से इसकी सीट को पहले सबसे पहले पीछे कर देते हैं, यहाँ से इतनी सीट पीछे चली जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आप इजीली इसमें बैठ के आराम से अपना सारा कंफर्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पावर स्टेयरिंग, यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो, यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग लीवर। आपको किसी भी एंगल से ये नहीं लगेगा कि दोस्तों ये कोई कमर्शियल व्हीकल है। जो कैबिन बनाया गया है पूरा कार की तरह कैबिन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये चीज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों हमेशा, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ आपको हर कमेंट का। यहाँ पर आपको अपनी लाइट देखने के लिए मिल जाएगी अंदर की, यहाँ पर आपको अपना ये मिल जाएगा, सनवाइजर देखने के लिए मिल जाएगा, पावर स्टेयरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और विंडो देखो दोस्तों, भाई साहब इतनी विंडो तो ट्रक की भी बड़ी नहीं होता, इतना आपको इसमें कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा। जब गाड़ी चलेगी तो हवा कितनी आएगी यहाँ पर आप देख सकते हो। और गर्मी के लिए आपको इसमें AC देखने के लिए मिल जाएगा टॉप वेरिएंट में। और अगर आप दोस्तों ले रहे हो तो टॉप एंड वेरिएंट ही लो, उसमें आपको AC मिलेगा, पार्किंग कैमरा मिलेगा, बहुत सारे फीचर्स जो है एडवांस फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कभी भी ले रहे हो दोस्तों तो टॉप एंड वेरिएंट ही आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एडवांस आपको देखने के लिए, इस साइड से देख सकते हो दोस्तों। V2 वाला जो वेरिएंट है उसमें भी आपको 12 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर आप अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पर आपको अपना गियर शिफ्टिंग लीवर मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। और जो कम्फर्ट लेवल है वो तो काफी बढ़िया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हेडरेस्ट दिखाइए सर, यहाँ पर आपको इतना बड़ा हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको देख सकते हो अपने जो यहाँ पर थाई के लिए इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना हैंड ब्रेक लगा सकते हो, सेफ्टी के लिए हमेशा हैंड ब्रेक लगाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये जो सीटें हैं दोस्तों यहाँ से फोल्ड हो जाती है, ये इनको फोल्ड कर आप एकदम बेड की तरह अपना यूज़ कर सकते हो। और उसका यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, एक स्विच रहेगा, वहाँ से आप इनको फोल्ड कर आप आराम से अपना एक बेड की तरह बना सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से ये फोल्ड हो जाती है, ये देख सकते हो। उस साइड में इसका भी स्विच होगा दोस्तों, उस साइड में है, देखो ये देख सकते हो, ये देखो दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से ये फ्लैट हो गई है, यहाँ पे आप अपना आराम से सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज काफी बढ़िया दिमाग लगाया महिंद्रा ने दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर इज द किंग ब्रो, मतलब ड्राइवर जो है रोड का किंग होता है दोस्तों, तो उसको मतलब रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी बढ़िया कर दी है, यहाँ पर आप आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें मतलब देख सकते हो, और इतना स्पेस आपको मिल जाएगा, पीछे आप अपना सामान, बैग वगैरह कुछ भी चीज़ें कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में पीछे आप अपना सामान वगैरह यहाँ से ईजिली देख सकते हो विंडो से, वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ से अभी इसको लाइट को ऑफ कर देते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे इतना स्पेस आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और टायर प्रोफाइल भी काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़े टायर प्रोफाइल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। 15 इंच के टायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये वाइट कलर के अंदर है और अपना वो लाइट ग्रे कलर के अंदर है। दोस्तों इस साइड से आ जाइए कैमरा मैन सर, यहाँ पर आप देख सकते हो अपना बोतल होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पावर विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ में महिंद्रा ने इसको उतारा है दोस्तों। और यहाँ पर क्या लिखा है महिंद्रा ने, यहाँ पर आप एक बार इधर दिखाइए सर, वीरो सोच से आगे, मतलब कि मतलब जितना हम सोचते हैं उससे भी आगे चल रही है महिंद्रा दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और महिंद्रा हमारी मेड इन इंडिया है दोस्तों, और इंडियन आर्मी को भी व्हीकल्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है दोस्तों महिंद्रा और टाटा। तो इसीलिए हमेशा मुझे इन दोनों कंपनियों पर बहुत प्राउड है दोस्तों। आपको महिंद्रा के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं कमेंट कर जरूर बताना, टाटा के और महिंद्रा के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं और दोनों कंपनियों में से कौन सी बेस्ट कंपनी है ये भी कमेंट कर जरूर बताना। दोनों ही हमारे देश की स्वदेशी कंपनियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये वाला जो मॉडल है ये टॉप एंड मॉडल है और ये वाला जो मॉडल है ये लोअर मॉडल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोअर मॉडल है, ये टॉप एंड मॉडल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी और आप सबकी डिमांड पर दोस्तों अभी मैं इसका टेस्ट ड्राइव का वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। जो हमारे एक ब्रदर हैं उनके पास मतलब 3-4 गाड़ियाँ हैं दोस्तों महिंद्रा की, वो उन्होंने भी अभी गाड़ी के इसमें आए सेमिनार में, तो वो टेस्ट ड्राइव लेंगे तो उनका मैं पूरा वीडियो शूट कर आपको दिखाऊंगा उनको कितना कंफर्ट है गाड़ी चलाने में। क्योंकि देखो दोस्तों, क्योंकि मैन ड्राइवर को कंफर्ट होना चाहिए और वो ड्राइवर है खुद भी, तो उनको उनका कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा उनको लगा ये गाड़ी और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। देखो मैंने जब ये चैनल बनाया था तभी आपको मैंने बताया था जो भी चीज़ें आएगी अपने चैनल पे सारी जेन्यून चीज़ें आएगी दोस्तों, जो ओरिजिनल चीज़ें वही आपको दिखाया जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर में, क्या क्या चीज़ें आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलेगी और प्रैक्टिकली ये गाड़ी मस्त है या नहीं है। दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक होती है थ्योरी, थ्योरी के थ्रू होती है, एक होती है प्रैक्टिकल। तो मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ हमेशा, तो इस वीडियो में भी मैं आपको प्रैक्टिकली चलाकर भी दिखाऊंगा गाड़ी, कितना कंफर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, कितना सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जाने वाले टेस्ट ड्राइव पर, तो टेस्ट ड्राइव का भी वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों आज शाम को 6 बजे आपको टेस्ट ड्राइव का और ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। टॉप एंड मॉडल है दोस्तों ये V6 वाला और गाड़ी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम और प्यारी गाड़ी है और वीरो सोच से आगे यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली दोस्तों। और आप और अभी हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पर, तो यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट वगैरह सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और सारी महिंद्रा की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है दोस्तों, क्योंकि आज महिंद्रा का ही सेमिनार है इस 5-स्टार होटल के अंदर में। ये देख सकते हो भाई साहब पावर स्टेयरिंग का फायदा दोस्तों, एक ही हाथ से भाई ने पूरा गाड़ी को 90 डिग्री तक घुमा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो जबरदस्त और जिंदाबाद, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये देखो पावर स्टेयरिंग का कमाल, एक ही हाथ से देखो कितना कंट्रोल आ जाता है और कितना ये मिलता है दोस्तों, जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है ना वो हाई रहता है, क्योंकि मतलब पावर स्टेयरिंग का यही फायदा होता है दोस्तों। देखो कार का जैसा स्टेयरिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और ये देख सकते हो 360 व्यू कितना जबरदस्त और कितना शानदार है दोस्तों। कैसा है कंफर्ट सर, आप भी थोड़ा बताइए गाड़ी का। मैं भी बहुत बढ़िया है, शानदार है ना, बढ़िया गाड़ी है ना, ओके बहुत स्मूथ है ना, ओके यहाँ हाँ हाँ बैक ले लीजिए। तो ये देख सकते हो रिवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो बैक कैमरे का क्वालिटी देख लो दोस्तों। यही सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट था भाई का कि भाई बैक कैमरा क्यों नहीं आता है, तो ये सारी चीजें देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पर्सन खड़ा है तो वो क्लियर दिख रहा है आपको। और थोड़ा आप रिवर्स लीजिए सर, रिवर्स और लीजिए आगे से, थोड़ा रिवर्स वापस लीजिए, अब रिवर्स लीजिए, तो ये देख सकते हो दोस्तों रिवर्स काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार इसका रिवर्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये देख सकते हो भाई रिवर्स में भी गाड़ी खतरनाक थे दोस्तों, ये रिवर्स में चल रही है गाड़ी, 90 डिग्री तक घुमा दिया भाई ने रिवर्स में, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
भाई साहब जबरदस्ती गाड़ी है और जिंदाबाद है एकदम। देख सकते हो रिएक्शन, देखो लोगों का, पब्लिक का रिएक्शन देखो भाई। ड्राइवर जो है हमारे खतरनाक ही है भाई, पीछे रिवर्स में इतना तेज कौन चलाता है भाई, रिवर्स में भाई लेके चलेगा 40 की स्पीड पे गाड़ी को। तो इसको बोलते हैं भाई ड्राइविंग, ड्राइविंग स्किल इसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिखाता हूँ पीछे का, देखो गाड़ी पूरी रिवर्स में, ये देख सकते हो पब्लिक का रिएक्शन देखो दोस्तों। सब लोग हमको ही नोटिस कर रहे हैं। तो मतलब एक स्किल ड्राइवर का यही फायदा, देख सकते हो पीछे का भी व्यू दिखा देता हूँ मैं पूरा आपको। ये देखो भाई पूरा घुमा दिया भाई ने गाड़ी को 90 डिग्री तक, पूरा रिवर्स ही किया है देखो एक हाथ से वो भी। दैट इज द पावर ऑफ पावर स्टेयरिंग दोस्तों। जहां से हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट किया था वहीं पर गाड़ी वापस लेकर आ गए। ये होता है पावर स्टेयरिंग का फायदा और ये होता है ड्राइविंग स्किल का फायदा। तो स्पेशल थैंक्स है हमारे सर को। सर का क्या नाम है? राज भाई। सही में गाड़ी राजाओं की तरह ही चलाते हैं भाई। तो एक बार बाहर से भी आपको पूरा दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो दोस्तों पीछे की ट्रोली बहुत ही बड़ी और शानदार देखने के लिए मिलेगी। कैसा रहा सर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका? सच सच बताइए सर। बढ़िया एकदम, मजा आ गया चला के। हैं बोलते ना आपके तरफ से। हाँ हाँ हाँ, वही देखो पूरा रिवर्स में लेके आया है दोस्तों। तो काफी बढ़िया इनकी ड्राइविंग स्किल है, इसके लिए स्पेशल थैंक्स आपको कि बढ़िया गाड़ी चलाया एकदम रिवर्स में पूरा गाड़ी को, वहां से मेन गेट से लेके आए। कम से कम भी 100 मीटर रिवर्स में इन्होंने टेस्ट किया, क्योंकि इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी कि इनको चाहिए था कि रिवर्स कैमरा चाहिए गाड़ी में, तो रिवर्स कैमरा इसके अंदर है। म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा और रिमोट की आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो तो महिंद्रा ने बहुत इंप्रूव कर दिया दोस्तों। यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो, दिखाता हूँ यहाँ से फ्रंट से। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो और साउंड यहाँ पर ऐसा आपको उसमें सुनाई देगा। यहाँ से आप इसको इजीली लॉक कर सकते हो। एक बार ये पकड़िए सर इस साइड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसी की आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी महिंद्रा की तरफ से। रिमोट की आपको देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर आपको 2 रिमोट की इसमें देखने के लिए मिलेगी। और जो लोअर वेरियंट है V2 वाला वेरियंट है उसमें नॉर्मल की आपको देखने के लिए मिलेगी। जो टॉप एंड वेरियंट है उसमें कुछ ऐसी की आपको देखने के लिए मिलेगी, पावरफुल शानदार की आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से आपको इसके फीचर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो और जैसे गाड़ी आपको मिल नहीं रहा है तो यहाँ पे आप प्रेस कर दोगे तो ये ऐसे साउंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम पास से दिखाता हूँ। तो एक बार 360 व्यू दीजिए सर गाड़ी का पूरा। यहाँ से इसको भी बंद कर देते हैं और 1600 kg का पेलोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। 1600 kg का पेलोड आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा और ओवरऑल गाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई है। टायर जो रहेंगे 15 इंच के टायर आपको इसमें देखने के मिल जाएंगे जो क्वालिटी है। और महिंद्रा का जो नया वाला लोगो है वो आपको इस पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो टायर का ग्रिप है वो भी काफ़ी बढ़िया है, सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस कितना दिया गया है दोस्तों। ये देखो ऊबड़ खाबड़ जो रोड रहेंगे आपके उन रोडों पर भी ये गाड़ी इजीली चली जाएगी दोस्तों। और फ्रंट की हाइट चेक करो भाई, कम से कम भी 6-6.5 फीट की हाइट के साथ में इसको मतलब बनाया गया है। और फ्रंट का जो लुक देखोगे एकदम नया है, महिंद्रा में पहली बार ऐसा मतलब फ्रंट बॉडी दी गई है। बाकी जो पिकअप आती है उसकी मतलब आगे में इतना ये रहता है दोस्तों, आपको बम्पर देखने के लिए मिलता है, बट इसमें आपको पूरी फ्लैट बॉडी इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका लोगो दिया गया है वीरो। वीरो मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्लेडिएटर, योद्धा, जो मतलब युद्ध करने वाला होता है, वो नाम इसको दिया गया है वीरो। वीरो आपने सुना होगा राजस्थान में वीरो किसको कहा जाता है। वीरो का 2 मतलब होता है, वीरो का मतलब होता है एक भाई। पंजाब में आप जाएंगे तो वीरो वीरे बोलता है, वीरो बोलता है मतलब बड़े ब्रदर को वीरो बोलता है। और एक राजस्थान में इसका मीनिंग होता है वीर, मतलब जो राजा होता है, योद्धा होता है, जैसे हमारे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, वीर योद्धा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान, वीर शिरोमणि हमारे जो थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, तो उस चीज़ को देखकर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इसको इसका जो नाम लिख रखा गया है वीरो रखा गया है। वीरो मतलब रॉयल पर्सनैलिटी दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।
ऐसे पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए एवरीडे बनाकर लाता रहता हूँ। तो महिंद्रा ने फाइनली धमाका कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो महिंद्रा का लोगो और नया महिंद्रा वीरो V4 आ चुका है मार्केट के अंदर। तो जो इसकी फ्रंट की प्रोफाइल रहेगी कुछ ऐसी रहने वाली है, काफी शानदार और काफी जबरदस्त। यहाँ पर आपको बड़े से लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे, टर्निंग इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे आप अपना फॉग लैंप लगा सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो अपना रेडियम, और यहाँ पर आपको इसका बम्पर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको अपने बड़े से जो रेन वाइजर है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने शानदार और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सीटर के साथ में अवेलेबल है ये 2+1 दोस्तों, तो 3 लोग आप इसमें बिठा सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारा लगा मुझे ये चीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये गोल्ड में दिया गया है, R जो है पूरा गोल्ड में दिया गया है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हो ज़बरदस्त शानदार, और यहाँ पर आपको अपने लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अपने इंडिकेटर्स टर्निंग इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ ऐसी रहने वाली है, इसकी हाइट बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपने ORVMs देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े और काफ़ी शानदार। और यहाँ पर आप देख सकते हो वीरो की बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो अंदर के लिए। और म्यूज़िक सिस्टम जो रहेगा कुछ ऐसा रहने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार और काफ़ी प्यारा प्रीमियम, एकदम मस्त और ज़बरदस्त, ये देख सकते हो।